दोस्तों फिल्म गोल्ड को आज तीसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर है, जिसका अर्लियर एस्टिमेट कलेक्शन लेकर हम आ गए हैं आपके पास। दोस्तों पहले दिन गोल्ड ने 27 करोड़ की बड़ी ओपनिंग ली। दूसरे दिन फिल्म को क्रेज काफी कम देखने को मिला, क्योंकि कोई हॉलीडे नहीं था। ऐसे में दूसरे दिन गोल्ड का कलेक्शन मात्र 8 करोड़ रुपए रहा। ऐसे में दो दिन का इसका कलेक्शन होता है 35 करोड़ रुपए। दोस्तों आज एक बार फिर से गोल्ड में उछाल आने की संभावना है, क्योंकि आज शुक्रवार है और वीकेंड आज से शुरू हो रहा है। शुक्रवार शनिवार रविवार गोल्ड के लिए गोल्ड ही साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज के दिन इसका प्रेडिक्शन 15 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, यानी कि आज ये फिल्म 50 करोड़ की कमाई कर लेगी और 55 करोड़ ये रिलीज से पहले ही कमा चुकी है, यानी कि 105 करोड़ का प्रॉफिट। और फिल्म का बजट है 100 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों 5 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आज गोल्ड एवरेज तो हो जाएगी, लेकिन जल्द ही ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी, क्योंकि वीकेंड खत्म होते होते ये 100 करोड़ का कलेक्शन भी पार कर सकती है। और ऐसे में अक्षय की ये फिल्म 9वीं 100 करोड़ी फिल्म होगी। अक्षय कुमार लगातार बॉक्स ऑफिस पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय से आगे केवल सलमान है, जिन्होंने 13 100 करोड़ी फिल्में दी है, उसके बाद अक्षय का ही नंबर आता है। दोस्तों अक्षय कुमार जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि अक्षय जल्द ही सलमान का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि सलमान साल में एक फिल्म लाते हैं जबकि अक्षय कुमार 3 फिल्में। अभी तो अक्षय की 2.0 भी आनी बाकी है। तो दोस्तों ये तो अर्लियर एस्टिमेट कलेक्शन की रिपोर्ट थी। फिक्स रिपोर्ट आते ही हम आपको खबर देंगे सबसे पहले, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाएं।